जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? थाईलैंड को दिए है, बिल्कुल सही जवाब है। श्याम जो है थाईलैंड देश का प्राचीन नाम है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर करेंगे, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रिंग कहा जाता है। मुक्केबाजी के जो खेल परिसर होता है उसको रिंग कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो याद रखिएगा, ये फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खास कर ध्यान रखें, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे आर के नारायण को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। पांचवा प्रश्न है, पोलियो टीका की खोज किसने किया था? चलिए आप सभी पांच के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, तो पोलियो टीका की खोज पूछ रहा है, सही जवाब है, जॉन्स ई साल्क के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था और लुई पासर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं? सभी ऑप्शन को सही से देखिए, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समझ। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको इस प्रश्न को बहुत बार बताया है, चलिए आंसर कीजिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थाई अध्यक्ष घोषित किया गया था। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आठ के लिए आंसर कीजिए, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रेंज कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी नौ के लिए आंसर कीजिए, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो इनको दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, इटली में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के जनक भी पूछा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
चलिए आंसर कीजिए, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एनरॉन विद्युत परियोजना। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे लॉन टेनिस को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। आगे देखिए, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद कर लीजिए, 5 खिलाड़ी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए आंसर कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो याद कर लीजिए, आइसोबार कहलाती है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? चलिए आंसर कीजिए, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। तो ध्यान रखना है, इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो याद कर लीजिए, ये यूरान का निवासी था। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक क्या करें। तो लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो ये होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लोहे का गलनांक है, ध्यान रखना है, 1593 डिग्री सेल्सियस ये लोहे का गलनांक है। स्काउट गाइड की स्थापना कब किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है 1908 में स्काउट गाइड की स्थापना किया गया है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? चलिए आंसर कीजिए, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो सही जवाब है भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखना है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? चलिए 22 के लिए आंसर दीजिए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो कथक है, और कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है। कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है, इन सभी को ध्यान रखें। ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इस बार एग्जाम में पूछा गया था रूस के संसद का नाम, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है संसद के नाम, तो ईरान देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, मजलिस। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है, ध्यान रखना है। और रूस देश की संसद का नाम है ड्यूमा।
प्रश्न इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था कि डियोमा क्या है, ऑप्शन में दिया था संसद और भी कुछ ऑप्शन में था, तो याद रखेगा डियोमा जो है ये रूस देश की संसद का नाम है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? और देखिए आप लोग डेली क्लास अटेंड करें, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है आपको। चलिए आंसर कीजिए 24 के लिए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये बहुत सिंपल है, ये मोरक्को का यात्री था। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए 25 के लिए, टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद कर लीजिए कोर्ट, टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो याद कर लीजिए ये खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए 27 के लिए आंसर दीजिए, जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मैगलेन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मैगलेन जो है जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ध्यान रखना है। वास्को डी गामा के बारे में बताया था, ये 1498 ईस्वी में भारत आया था और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। 28 नंबर है, हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, फील्ड, फील्ड के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? देखिए पृथ्वी की बहन बोले, सुबह का तारा बोले, शाम का तारा बोले, सबसे गर्म ग्रह बोले, तो एक ही चीज़ है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो शुक्र ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी जानते हैं, ये बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए आंसर कीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, डाइमैक्स जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र पूछा जाता है, तो बिंबिसार बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। क्रम को ध्यान रखना है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आइसोहेलाइन, याद रखना है। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहेलाइन कहा जाता है। भारत में वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए, भारत में वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो याद कर लीजिए ये है परमवीर चक्र। फायान किस देश का निवासी था? चलिए आंसर करेंगे, फायान किस देश का निवासी था?
तो याद रखिएगा ये चीन का निवासी था। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? चलिए सभी ऑप्शन को सही से पढ़िए। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, तो ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना। साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो 36 का आंसर क्या होगा? ए बेलोड्रम। साइकिलिंग के खेल मैदान को बेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। हीरा किसका शुद्ध रूप है? ये प्रश्न सभी को आता है, हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो ये कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा, ध्यान रखना है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है बंगला। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा समान हिम रेखा को मिलाने वाली समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को जाना जाता है आइसोनिप के नाम से। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, केरल को जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।